कानपुर, साइकिल सवारों के साथ रात के अंधेरे में होने वाली सड़क घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से कैंट स्थित सामाजिक संस्था कानपुर परिवर्तन फोरम के बैनर तले शहर से शुक्लागंज की ओर जाने वाली साइकिलों पर निःशुल्क रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाया गया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोगों ने संस्था द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना की और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर सैकड़ों साइकिलों पर स्टिकर चिपकाया। आज के इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्य सैयद आसिफ अली, रेनू शाह, पम्मी महमूद, फैज खालिद आदि स्वयंसेवक मौजूद रहे। कानपुर से दानिश खान की रिपोर्ट। कानपुर परिवर्तन फोरम की तरफ से हम सारे कोर मेंबर्स और सारे वॉलंटियर्स इस टाइम ये फिक्र रखते हैं कि जो शुक्लागंज या आसपास के लोग साइकिलों से अंदर आते हैं शहर में काम करने, हर साल बहुत सारे लोग एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। तो उनके पीछे आप ज़्यादातर साइकिलों में देखें कोई रिफ्लेक्टिव टेप या इस तरह की लाइट कोई नहीं होती है, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके पीछे लाइट लग जाए। अगर किसी एक की भी जान हमारे इस पहल की वजह से बच जाएगी या उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, हम समझेंगे हमने अपना काम बखूबी कर लिया। शहरवासियों का संदेश ये है कि हम लोग तीन चार तरह के मौसमों से गुजरते हैं यहाँ पर। जैसे ऐसे मौका है, कोहरे का मामला आ रहा है, या कभी गर्मी है, या कभी बहुत बरसात है, तो जो हम अपनी तरफ से कर पाएं, एक छोटी सी पहल भी जो हम करेंगे, वही कानपुर को हमारा जो खुशहाल बनाती है। और आप तो पूरी दुनिया जानती है कानपुर 11वें नंबर पर आ चुका है खुशहाली के मामले में। शायद यही वजह है कि जो हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की मदद में आगे आते हैं।